नमस्ते मम्मीज़ एंड डैडीज़, मेरा नाम है आंचल। वेलकम टू मॉम टेल्स। इस चैनल में हम बात करते हैं बेबी केयर, मदरहुड, लाइफस्टाइल और बहुत सारी मॉमी टॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली आपने सुना ही होगा, नोएडा में एसी ब्लास्ट हुआ है किसी घर में, एंड सेम ऐसा ही मुंबई में भी हुआ है। आई नो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एसी ही हमारे सेवियर हैं, बट जितना एसी आपको गर्मी से बचा रहा है, उतना अगर आप उसे ओवर यूज़ करोगे वो आपके लिए नुकसानदायक भी होगा। एसी ब्लास्ट यूजुअली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फेलियर्स की वजह से हो सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आप एसी को सेफली कैसे यूज़ करें और ऐसे इंसिडेंट को कैसे अवॉइड किया जाए। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है अवॉइड एसी 24/7। अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो पूरा पूरा दिन एसी में बैठे रहते हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। अगर आप 24-24 घंटे एसी चलाओगे तो उससे वोल्टेज ओवरलोड होगा और दिक्कतें तो होंगी ही होंगी। तो आप क्या कर सकते हो, जब रूम ठंडा हो जाए उसके बाद थोड़ी देर के लिए एसी को स्विच ऑफ कर दें। कुछ कुछ इंटरवल्स में एसी को स्विच ऑन करते रहें, लगातार चलाते ना रहें। नेक्स्ट है, एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है उसे क्लीन रखें और स्पेशियस रखें। दैट मीन्स उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे यूनिट क्लॉग हो सकता है, जो एफिशिएंसी तो रिड्यूस करेगा ही, साथ में ओवरहीटिंग का रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा। और कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल भी यूनिट के आसपास रखना अवॉइड करें। नेक्स्ट है, अवॉइड यूजिंग एक्सटेंशन कॉर्ड्स। एसी यूनिट्स डेडिकेटेड सर्किट्स में ही प्लग इन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लगिंग के लिए कोई एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिसे सर्किट पे भी लोड पड़ सकता है और ओवरहीटिंग की वजह से भी ब्लास्ट के चांसेस हो सकते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को भी अवॉइड करें। नेक्स्ट है, मेंटेन रेगुलर सर्विसिंग। अपने एसी की सर्विसिंग रेगुलर और टाइमली करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और सर्विसिंग आपको किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन से ही करवानी है, जो वायरिंग को चेक कर सके, कोई भी क्लॉग हो उन्हें क्लियर आउट कर सके और कनेक्शंस को चेक कर सके। ये बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है, कीप एन आई ऑन योर एसी। अगर आप कोई अनयूजुअल नॉइज, ओडर, अनयूजुअल वाइब्रेशंस नोटिस करो अपने एसी में से, सो इमीडिएटली उसे स्विच ऑफ कीजिए और टेक्नीशियन को बुलाइए। और आपको लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सो तुरंत मेन सर्किट को शट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम में आके एसी चला के सो जाना ये सॉल्यूशन नहीं है, आपको उस पर हमेशा नज़र रखनी है। सो गाइज, दिल्ली जैसी 50 डिग्रीज की गर्मी में एसी वाकई बहुत बड़ा सेवियर है, बट इन सारे टिप्स को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो कोई भी चीज़ अगर एक्सेसिव यूज़ हो तो वो नुकसान देती ही देती है, इसीलिए थोड़ा वाइजली उसे यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपसे अपनी बात कहूँ तो मैं खुद पूरी रात भर एसी नहीं चलाती, बीच बीच में हम इसे ऑफ़ भी करते रहते हैं और फिर चला लेते हैं। ये करना बहुत ही बेटर तरीका है। एसी आपको गर्मी से बचा रहा है, तो आप भी एसी को ओवरहीटिंग होने से बचाएं, ये सारी टिप्स को फॉलो करके। अपना कंफर्ट सबसे पहले ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, बिकॉज इसकी सबको बहुत ज़रूरत है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर हिट करें ताकि आप कोई भी फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।